कि उनके पिताजी किसके जन्म हुए हैं, गनेरिया के जन्म हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। बिहार में जातीय लड़ाई कब जुबानी जंग में तब्दील हो गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, नवादा में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच में जातीय जंग की शुरुआत हो गई थी। अब ऐसे में जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को गरेरिया बताया है, तो वहीं पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि वो मुसहर है। क्या क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आपने सुना। उनके पिताजी किसके जन्म हुए हैं, गनेरिया के जन्म हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। तो आपने ये सुना जीतन राम मांझी का बयान। अब देखिए, ये जंग तब शुरुआत हो गई थी जब नवादा में जो घटना हुई उसके बाद से दलितों को लेकर जीतन राम मांझी ने यादवों पर निशाना साधा, उसके बाद से ये जातीय संग्राम की शुरुआत हो गई। ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो लालू प्रसाद यादव अपने इलाज करवाने के बाद पटना आते हैं, और पटना आते ही जब उनसे सवाल किया जाता है कि जीतन राम मांझी आप जाति पर सवाल उठाते हैं, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव भड़क उठते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं कि वो मुसहर है। क्या क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पहले आप उन्हें सुने। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है। तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का पलटवार सामने आता है। देखिए, अगर जाति धर्म की लड़ाई होती है तो बिहार उसमें हर दफा सुलगता है। अब ऐसे में ये प्रमाण है जिस तरीके से जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव को गरेरिया बता रहे हैं, वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कह दिया है कि वो मुसहर है। क्या फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।